हेलो ऑल, आप सभी का स्वागत है एग्जाम फिक्सर्स पर। मैं कुमार चंदन आज फिर से क्वेश्चन वर्ब्स के ऊपर कुछ और क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसके पहले मैंने क्वेश्चन वर्ब्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन शेयर किए थे और बताया था कि इसको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि क्वेश्चन वर्ब्स के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, SSC हो, बैंकिंग हो या फिर किसी और एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो एक बार उसे भी देख लें, क्योंकि उसमें थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस किया गया है, मतलब क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस किया गया है। और उसको एक बार देखने के बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में कुछ कॉमन एरर के क्वेश्चन रहेंगे और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन रहेंगे जो बेस्ड हैं आपके क्वेश्चन वर्ब्स के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है, जो कॉमन एरर का क्वेश्चन है, आप देखिए, जैसे कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में कि हैव गेट और मेड मेक, हैव गेट और मेक आपका क्या है, क्वेश्चन एक्सप्रेशन, एक क्वेश्चन वर्ब है जो क्वेश्चन एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं। और ये भी हम लोग बात किए हैं कि क्या होता है ये वर्ब है किसी एक्शन को, ये एक ऐसे वर्ब हैं जो दूसरे एक्शन को होने के लिए क्या करते हैं, गॉर्न करते हैं इस एक्शन को, या फिर प्रेशर करते हैं या मैनेज करते हैं इस एक्शन को होने के लिए। ठीक है, तो ये कौन कौन वर्ब्स हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि ये आपके वर्ब हैं हैव, गेट या फिर मेक। और देखिए, ये वर्ब या इनके कोई भी वर्ब फॉर्म, ये वर्ब या इनके कोई भी फॉर्म क्या है, आपका क्वेश्चन एक्सप्रेशन क्रिएट करता है। जैसे हम बात कर रहे थे क्या कि ये अपने बाद या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं, ये क्वेश्चन वर्ब क्या है, अपने बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं जो इस दूसरे वाले एक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर हम और भी जानते हैं क्या कि या तो V1 लेंगे या इन्फिनिटिव लेंगे, V1 और 2+V1 लेंगे ये। ठीक है, ये तो ये कहाँ तीन यूज होता है इसे हम लोगों को देखना है। ठीक, देखते हैं कैसे। देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, लास्ट ईयर मिस्टर शर्मा सॉ द आर्किटेक्ट टू हैव, ये देखिए, ये हैव आपका क्वेश्चन एक्सप्रेशन क्रिएट करत, टू हैव हिज न्यू हाउस डिजाइन। देखिए, ये एक्शन करवाया जा रहा है किससे, इस वर्ब, ये वर्ब कौन सा एक्शन गवर्न कर रहा है, ये वाला एक्शन को गवर्न कर रहा है। तो एक चीज आप ध्यान दीजिए, जब कभी भी आपका हैव हैव के संग क्या करते हैं हम लोग, इन्फिनिटिव का, बेयर इन्फिनिटिव का यूज करेंगे, दैट मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू, या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे इसके बाद वाला जो इस वर्ब के साथ। तो देखिए, कब करेंगे, एक एक्शन हो रहा है, क्या है, हाउस को डिजाइन करने का एक्शन हो रहा है, लेकिन ये डिजाइन कौन करने वाला है, कोई आर्किटेक्चर है जो करने वाला है, जो इस जगह नहीं है, इस जगह अब्सेंट है, ये डूअर नहीं है, ये नॉन डूअर है। तो हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, इस जगह वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, आपका यदि फॉर्म नहीं हो के वर्ब का थर्ड फॉर्म करेंगे यूज, क्यों, क्योंकि इसके पहले जो एक्शन करने वाला है वो अब्सेंट है, कौन आर्किटेक्चर करेगा इसमें वो फिक्स नहीं है, नॉन डूअर है इस जगह पे, इस वजह से वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। देखिए, क्वेश्चन एक्सप्रेशन में अगर डूअर होता है तो हम लोग V1 का यूज करते हैं, बेयर इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव, लेकिन अगर उस सेंटेंस में उस एक्शन को करने वाला अवेलेबल नहीं हो, नॉन डूअर हो, तो हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस में देखते हैं। द कोच मेड प्लेयर्स टू वर्क हार्ड, एक ध्यान दीजिए कि ये मेक एक वर्ब है जो क्या कर रहा है, कोच ने क्या किया है, प्लेयर्स को वर्क हार्ड करने के लिए बोला है, करवाया है, बनाया है। ठीक है, तो एक और चीज आप ध्यान दीजिए, मेड द वर्क हार्ड। ठीक है, तो देखिए, वर्क हार्ड कौन करने वाला है, ये प्लेयर्स करने वाले हैं,
कोच तो नहीं कर रहा है ना वर्कआउट, वर्कआउट कौन कर रहे हैं, ये प्लेयर्स कर रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या है, आपके डूअर्स हैं, ये क्या है, आपके डूअर है जो इस एक्शन को कर रहा है, ठीक है। तो आपका एक मेक है या मेक का फॉर्म है जो मेन वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है, और ये इसका डूअर भी है, तो हम लोग या तो बी का इन्फिनिटिव फॉर्म यूज करेंगे या बेर इन्फिनिटिव फॉर्म यूज करेंगे। तो जब भी हम लोग देखते हैं कि एक्टिव वॉइस में मेक या मेक के किसी फॉर्म के संग हम लोग बेर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, इन्फिनिटिव का यूज नहीं करते, बेर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, तो प्लेयर्स वर्क होगा ये तो इस जगह पे नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म क्यों, क्योंकि डूअर है, इन्फिनिटिव बेर इन्फिनिटिव क्यों, क्योंकि हमारे पास मेक वर्ब है या मेक का कोई फॉर्म है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वी है, देखिए हैव का एक फॉर्म इधर हमारे पास आया, तो ये क्या हो गया आपका, ये कॉजिटिव एक्सप्रेशन क्रिएट करेगा, वी हैव आवर अकाउंटेड टू डू आवर एनुअल अकाउंट्स। देखिए एनुअल अकाउंट्स कौन करने वाला है, एनुअल अकाउंट्स कौन करने वाला है, तो ये अकाउंटेंट करने वाला है, ठीक है, अकाउंटेंट करने वाला है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब हमें ये देखना है क्या टू होगा जी, नहीं, देखिए हमें बेर इन्फिनिटिव की जरूरत पड़ती है हैव और मेक के किसी भी फॉर्म के लिए। बेर इन्फिनिटिव कहाँ लगता है आपका, हैव या मेक के किसी फॉर्म के लिए हमें बेर इन्फिनिटिव की जरूरत होती है। अगर गेट या गेट का कोई फॉर्म हो तो हम लोग इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए हम यहाँ पे आया हमारा मोहन, गॉट हिज न्यू कार तो सर्विस लास्ट ईयर। देखिए ये सर्विस कौन करने वाला है, अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो ये सर्विस कौन करने वाला है, ये सर्विस क्या कार करेगी, नहीं, कार तो खुद की सर्विस कर नहीं सकती, दैट मीन्स ये क्या है, नॉन डूअर है, और ये हमारे पास कॉसिव एक्सप्रेशन मिल गया गौत के संग, तो नॉन डूअर जहाँ कहीं भी आया इस एक्शन के पहले, तो हम लोगों को वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना होता है, तो ये सर्विस हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आप यूज करें, इसको यहाँ से मिटाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन में देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर हैड मिला हिज मिनिस्टर टू अटेंड। देखिए अटेंड कौन करने वाला है, तो हिज उनके मिनिस्टर करने वाले है, मतलब इस एक्शन का डूअर भी इस जगह पे है, तो अगर डूअर है तो दैट मीन्स इस जगह में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव या बेयर इन्फिनिटिव। देखिए ये जो हमारे पास हैव का, ये जो हमारे पास हैव का फॉर्म है, दैट मीन्स हमें क्या चाहिए, बेयर इन्फिनिटिव चाहिए, फर्स्ट फॉर्म चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारे पास इस जगह डूअर भी है। चलिए कुछ क्वेश्चन अब फिल इन द ब्लैंक टाइप्स के हैं, आपको इधर जो आपको चॉइस करनी है, सिलेक्ट करना है कि इस जगह क्या फिल होगा, ये इसके ऊपर कॉन्सेप्ट आपका सिमिलर है, क्वेश्चन देखने का नजरिया थोड़ा सा बदला है। सी हैड ऑयल इन हर कार, चेंज और चेंज, देखिए सी हैड ऑयल हर कार, चेंज चेंज और चेंज, देखिए चेंज कौन करने वाला है, इसमें से मान लीजिए कोई एक है, तो चेंज कौन करने वाला है, कौन करने वाला है चेंज, आप देखिए सी हैड द ऑयल इन हर कार, क्या उसकी कार ये ऑयल चेंज करेगी, नहीं, इस जगह इसका डूअर अब्सेंट है, ये कार क्या करेगा, ऑयल चेंज नहीं कर सकता है, कोई होगा जो इस ऑयल को चेंज करेगा, लेकिन वो इस जगह अब्सेंट है, नॉन डूअर है, दैट मीन्स हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना पड़ेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इस चेंज करने का एक्शन करने वाला इधर कोई नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। अगर हम आगे बढ़े तो देखेंगे कि दे हैड द कॉबलर टू मेंड, मेंड मेंडेड, अच्छा देखिए मेंड कौन करने वाला है, कॉबलर, ठीक है, दैट मीन्स इस एक्शन का डूअर इस जगह पे है, इस जगह पे है। अब हमें जब डूअर मिल जाएगा जहाँ कहीं भी, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव या वेर इन्फिनिटिव यूज करेंगे, तो ये हैव का फॉर्म है, हैव का कोई भी फॉर्म क्या करता है, अब बेर इन्फिनिटिव रहता है, तो ये सही है, ये सब बाकी जो ऑप्शन आपको मिले वो गलत हैं। आगे चलेंगे,
विल सेल मैक, देखिए मैक आया आपका मेन वर्ब की तरह करेगा, तो ये आपका पॉजिटिव एक्सप्रेशन क्रिएट करता है। विल सेल मेक द कॉन्ट्रैक्टर रिपेंट रिपेंट टू रिपेंट रिपेंटेड, देखिए ये रिपेंट कौन करने वाला है, कॉन्ट्रैक्टर करने वाला है, दैट मीन्स इस जगह पे क्या है, डूअर है। अगर डूअर है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या बेयर इन्फिनिटिव, तो मेक के संग हम क्या करते हैं, बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, तो ये सही है, ये बाकी आपके गलत ऑप्शन थे। अब आइए हमें आई एम गोइंग टू गेट, क्या गेट करना है जी, माई डीवीडी प्लेयर टू रिपेयर, देखिए रिपेयर कौन करेगा, कोई भी, क्या ये डीवीडी प्लेयर खुद को रिपेयर करेगा या कोई मैकेनिक्स होगा, क्या डीवीडी प्लेयर्स को रिपेयर करने वाला कोई होगा जो करेगा, मतलब ये नॉन डूअर है, खुद तो रिपेयर खुद से नहीं कर सकता, दैट मीन्स ये रिपेयर नहीं कर सकता, तो वर्ब का हमें थॉट फॉर्म चाहिए क्योंकि इस जगह डूअर एब्सेंट है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं, यू शुड हैव योर जैकेट, इस जगह अब हमें क्या चाहिए, टू क्लीन क्लीन, ये क्लीन कौन करेगा, क्या जैकेट आपका क्लीन आप खुद कर पाएंगे, जैकेट खुद ही क्लीन कर लेगा, जी नहीं, इस जगह डूअर नहीं है, जैकेट को क्लीन करने के लिए कोई और होगा जो क्लीन कर रहा होगा, तो इस जगह भी आपका इस क्लीनिंग के एक्शन को करने वाला डूअर अवेलेबल नहीं है, तो हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि मेक हैव और गेट ये बेसिकली तीन पॉजिटिव एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं, अगर ये जहाँ कहीं भी मिले और जो एक्शन कर रहे हैं, जो कॉज एक्शन कॉज कर रहे हैं उस एक्शन का डूअर अगर मिले तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव या बेयर इन्फिनिटिव यूज करेंगे, अगर उस एक्शन का डूअर उसमें अब्सेंट हो, पूरे सेंटेंस में अब्सेंट हो, तो हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, ये कुल मिला के 10 क्वेश्चन थे, अब कुछ 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग इन सब क्वेश्चंस को ट्राई करिए और कमेंट करिए, इनका आंसर अगर आप समझ पा रहे हैं तो कमेंट करिए, अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो भी कमेंट करिए, लेकिन इन सब क्वेश्चन को आप लोग जरूर ट्राई करके कमेंट करें, जिससे पता चलेगा कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि नहीं। आप लोग इतना क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो पॉजिटिव वर्ब के ऊपर जो भी क्वेश्चन आता है आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स में आए, एरर करेक्शन में आए या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में आए, अब कहीं भी आए आपको आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। थोड़ा सा अगर बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है तो इसके पीछे वाले वीडियो आप जरूर देख लें, जिसमें थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है पॉजिटिव वर्ब्स को, और ये वीडियो देख लें, अगर 2 वीडियो आप देख लेते हैं तो काफ़ी है आपको इतना क्वेश्चन, इसी तरह के ट्रिकी क्वेश्चन रहेंगे, अगर फिर भी कुछ रह जाएगा तो आप हमें कमेंट करके बताइए, इसके ऊपर और कोई वीडियो बनाएंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, थैंक यू।